Hello, my dear children, this is Shika Aurora, and today we are going to start with class 8 science, chapter number 2, that is microorganisms, friend, and foe. So, let's get started. In this chapter, our aim will be to study about major groups of microorganisms, harmful microorganisms, where do microorganisms live, useful microorganisms, and nitrogen fixation and nitrogen cycle. So, let's have a look on the warm up first. लुक एट द पिक्चर बिलो कैन यू एक्सप्लेन हाउ दे अवर मेट्स डू यू थिंक देअ फॉर्मेशन माइट इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अगर हम कर्ड की बात करते हैं केक की बात करते हैं या ब्रेड की बात करते हैं तो इन सब में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है फॉर देयर मैनुफैक्चर लाइक करड यूज इज यूजफुल बैक्टीरिया कॉल्ड एज लैक्टोबेसिलस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जिसकी वजह से कर्ज जो होती है थोड़ी सी सार हो जाती है टेस्ट में सिमिलरली केक है ब्रेड है इनको भी राइज अप करने के लिए यीस्ट की जरूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज द नेम इंडिकेट माइक्रो मीन्स वेरी टाइनी बहुत छोटे से ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत छोटे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो अ ग्रेट वैरायटी इन शेप एंड साइज सम ऑर्गेनिजम्स आर क्वाइट बिग सच एज एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल इनको तो हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं वेयर एज सम आर वेरी स्मॉल सच एज Ants एंड Termites इनको भी आप अपनी आंखों से देख सकते हो लेकिन इनसे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स भी इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते एंड दे आर टर्म्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ सम ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू टाइनी टू बी सीन विद अनएडेड ह्यूमन आई दे कैन ओनली बी सीन बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी

they are present everywhere on moist piece of bread on log of wood on bodies of other plants and animals they are even found in harsh condition like ice cold or streaming habitats to yahan tak ki bahut zyada thand jahan pe hoti hai jahan par human survival bhi nahi ho sakta वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का development दिखाई देता है Even hot water springs में भी हमें कुछ type के bacteria जो है वो देखने को मिलते हैं दे में अगर है सिंगल और इन कॉलोनीज तो ये सिंगल भी ऐसा रह सकते हैं और इन कॉलोनीज भी ये रह सकते हैं अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस माइक्रो ऑर्गेनिजम फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग सिस्ट इन विच दे रिमेन इनएक्टिव तो क्या करते हैं जब इनके सर्वाइवल के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो ये अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं और जिसको बोला जाता है सिस्ट और उसमें ये इनएक्टिव रहते हैं और जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं रिटर्न करती तब तक ये सिस्ट में ही डेवलप्ड रहते हैं और जैसे ही इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो रिटर्न होती हैं ये सिस्ट से बाहर आके एक्टिव हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं दे कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर आस Louis Pasteur इज नोन एज द फादर ऑफ microbiology. So सो दिस इज अकीपीडिया फॉर यू ऑल मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पांच मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं फर्स्ट इज बैक्टीरिया फंगाई एल्गी प्रोटोजोआ एंड वायरसेस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन देम फर्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है बैक्टीरिया जिसका सिंगुलर जो होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियम तो बैक्टीरिया आर द सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड अराउंड अस तो बैक्टीरिया जो है ये हमारे आसपास ही प्रेजेंट होते हैं

सो दीज आर द माइक्रो ऑर्गैनिजम्स लग गई है ब्रेड को हम कहते हैं ना फंगस लग गई है ब्रेड को अब ये ब्रेड खाने लायक नहीं रही सो so, अगर हम इस माइक्रोस्कोप में इस फंगस को देखते हैं तो दे अपियर लाइक ट्री लाइक तो ये कॉलोनीज में रहते हैं नाउ कीप देश इन अ वॉर्म प्लेस फॉर थ्री टू फोर डेज ग्रेस पैच विल बी विजिबल ऑन द ब्रेड टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ग्रे पैच एंड स्प्रेडेड ऑन अलाइड ऑब्जर्व इट अंडर अक अ स्केच ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे so, बैक्टीरिया कर की तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं बट दे लिव टूगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियन तो इनके पास बॉडी के अंदर तो सिंगल सेल होता है लेकिन ये इकट्ठे रहते हैं कॉलोनीज में मोस्ट ऑफ देम आर हार्मलेस बट सम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज सच एज कॉलेरा एंड ट्यूबोक्योलॉसिस बैक्टीरिया को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देअर शेप लाइक फर्स्ट इज स्पायरे स्पायरे का सिंगुलर होता है स्पायरुलम दैट मीन्स दे आर स्पायरल शेप्ड बैक्टीरिया देन वी हैव कोकाई कोकाई का सिंगुलर होता है कोकस दैट मीन्स दे आर स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया बिल्कुल स्पेरिकल होते हैं ये फिर आता है बेसिलाय, बेसिलाय का सिंगुलर होता है बेसिलस, और ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं एंड लास्ट इज विब्रोज विब्रोज का आता है विब्रोस सिंगुलर होता है जो कि कॉमा शेप्ड के बैक्टीरियाज होते हैं सो यू कैन सी अ स्पाइरलिया स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया सो so, अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है एंड दे आर मोस्टली प्रो कैरियोटिक टाइप अब प्रो कैरियोटिक का क्या मतलब होता है प्रो कैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स प्रीवियस कारियो मीन्स न्यूक्लियस तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस होता है दैट मीन्स न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्कैटर्ड होता है सेल के अंदर वो इट इज नॉट बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया यूनिसेल ऑर्गेनिज्म प्रोकारियोटिक स्ट्रक्चर दैट इज दे डू नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली सो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ बैक्टीरिया सेल तो बैक्टीरिया सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एस सच ही स्कैटर्ड है इट इज नॉट बाउंड बाई अ न्यूक्लियर मेमब्रेन फंजय दर इज कॉल्ड एज फंगस तो ये प्लांट लाइक होते हैं लेकिन ये नॉन ग्रीन होते हैं दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इसीलिए ये अपना खाना खुद कभी भी नहीं बना सकते दैट इज वाई दे हैव एन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्योंकि ये ग्रीन ही नहीं है जब ग्रीन नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है क्लोरोफिल नहीं है तो दे कैनॉट मैन्युफैक्चर देर ओन फूड That is why they depend on others for their food and thus have heterotropic mode of nutrition. They are plant-like organisms, have a cell wall but lack chlorophyll, so they cannot synthesize their own food. They are generally found in dark, moist places with moderate temperatures such as moist bread, leather goods, rotting fruits and vegetables and animal excreta. फंजाई में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं दे कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटन सेल्यूलोस दे मे लिव सिंगली और इन कॉलोनीज मल्टीसेलर फॉर्म कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज हाइफे सो हाइफे आर इंटरवोवन टूगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क विच इज कॉल्ड एज माइसीलियम तो क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं भाई जो यूनिसेलर है उसके अंदर तो सिंगल सेल ही सारे काम कर रहा है लेकिन जब ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं तो दे हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं हाइफे और यही हाइफे एक दूसरे में इंटर होते हैं जैसे आप वूल का स्वेटर बनाते हो ना तो आप वूल को इंटर करते हो बिल्कुल वैसे ही ये भी एक दूसरे में इंटैंगल्ड होते हैं एंड देन दे फॉर्म अ नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम मोल जीस एंड मशरूम आर सम कॉमन फॉर्म ऑफ फंग अब आपको पता चल गया है जो मशरूम आप खाते हो जो टेस्टी टेस्टी मशरूम्स हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या है वो एक्चुअली आर द फॉर्म ऑफ अ फंगस मशरूम इज अ मल्टी सेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ स्टॉक एंड एन अम्ब्रेला तो आपने देखा है मशरूम के अंदर एक तो स्टॉक होता है और एक उसकी कैप होती है विच एक्ट एज एन अम्ब्रेला यीस्ट इज यूनिसेलुलर और ये जो यीस्ट है ये सिंगुलर होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं एंड यीस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज हम जितने भी केक्स बनाते हैं या हम ब्रेड बनाते हैं उन सब के मैन्युफैक्चर के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है यीस्ट की जरूरत पड़ती है दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड कैन बी पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते so they may grow on an organism and derive the food from a living host that means they act as parasite or they may derive their food from dead or decaying matters that means they may act as seprophytics. fungi reproduce either by budding or by spore formation algae and the singular is called as alga they are simple plant-like organisms which have chlorophyll a green color आपने देखा होगा आपके घर में जो गमले होते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की काई जम जाती है ना सो so, वो काई क्या है वो एक्चुअली एल्गी है सो एल्गी बीइंग ग्रीन इन कलर कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड तो फिर ये इसी कैटेगरी में क्यों नहीं डाली गई भाई जब ये ग्रीन भी है कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड और प्लांट लाइक -like भी है बट एल्गी डज नॉट हैव ट्रू रूट्स इसके पास अपनी ट्रू स्टेम्स नहीं होती इसीलिए इसको हम प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं डालते हैं एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल जस्ट लाइक प्लांट सेल्स दे दे क्लोरोफिल दैट इज कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस दे आर यूजुअली फाउंड इन वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स तो आप देख सकते हो ये जो रिवर के ऊपर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर्स बिज जाती है ये एक्चुअली क्या होती है एल्गी होती है दे मोस्टली ग्रो इन मॉइज प्लेसेस सच एज मॉय सॉइल यहाँ आपने देखा है जब आप गमलों में पानी देते हो तो गमले कैसे होते हैं मॉइस्ट होते हैं उनके ऊपर भी ग्रीन ग्रीन कलर की जो लेयर uh, बनती है वो किसकी बनती है एल्गी की बनती है रॉक सर्फिस नियर वाटरफॉल्स एंड द बास ऑफ ट्रीज सम एल्गी आर यूनिसेलुलर सच एज क्लमाइडोमोनास तो ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर आप एग्जाम्पल दोगे क्लोमाइडोमोनास का दीज यूनिसेलर एल्गी आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एल्गी हाउ एवर एल्गीज आर मल्टी सेल्युलर तो कुछ मल्टी सेलर भी होती हैं जैसे कि वॉलवर्कस फकस एंड स्पाइरो मल्टीसेलर एल्गीज आर क्लासिफाइड एज मैक्रो एल्गी तो हमने दो एल्गी पढ़ी एक होती है यूनिसेलुलर जिनको हम बोलते हैं माइक्रो एल्गी और एक होती है मल्टी सेलुलर जिसको हम बोलते हैं मैक्रो एग एल्गी ऑफ द एग्जाम्पल स्पायरो कैन बी सीन बाई अनएडेड ह्यूमन आई विकीपीडिया एल्जिनिक एसिड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जायंट ब्राउन कॉल्ड द्राउन इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट इन आइसक्रीम्स तो जो आप आइसक्रीम्स खाते हो उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट जो है वो ब्राउन एल्गी से डिराइव किया जाता है

ऑल प्रोटोजन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो क्योंकि ये भी ग्रीन कलर के नहीं हैं इनके पास भी क्लोरोफिल नहीं है सो दे कैनॉट सिंथिसाइज देअर ओन फूड तो फूड के लिए इन्हें दूसरे ही ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है दैट इज वाई दे हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इनका एग्जाम्पल क्या है सिर्फ यूगलिना को छोड़ दिया जाए क्योंकि यूगलिना ही एक ऐसा प्रोटोजन है जिसके पास Mode of है, बाकी जितने भी पैरासिटिक है और सिम्बायोटिक प्रोटोजुअ रिप्रोड्यूस स्पोर फॉर्मेशन तो ये आप यहाँ देख सकते हो दिस इज अना इसके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिला है दिस इज अमीबा ये मूवमेंट शो करता है बाय एक्सटेंडिंग इट्स बॉडी पार्ट जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया एंड दिस इज पैरामेशियम विच है मूवमेंट दे एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ शेप्स दे मे बी इेगुलरली शेप्ड जैसे कि अमीबा अमीबा की जो बॉडी होती है ये इर रेगुलरली शेप्ड होती है स्लिपर शेप्ड स्लिपर शेप्ड होती है पैरामेशियम की शेप एंड स्पिंडल शेप लाइक यूगलिना वायरसेस अनादर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गैनिजम जिसको आज तक साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है सो दे आर कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड वायरसेस का क्या है कि जब तक इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती ये सिस्ट की फॉर्म में रहते हैं इनएक्टिव ये इनएक्टिव सालों साल इनएक्टिव पड़े रह सकते हैं लेकिन जैसे ही इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है या लिविंग होस्ट देर रिक्वायर लिविंग होस्ट फॉर देअर मल्टीप्लीकेशन तो ये उसी का डी एन ए यूज करके फर्दर अपना मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं एंड दे स्प्रेड लाइक दिस वायरसेस आर अल्ट्रामाइक्रोस्कोपिक एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ नोन टू साइंस एंड आर मिस्ट्री फॉर बायोलॉजिटरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग मैटर तो अभी तक हम इन्हें क्लासीफाई नहीं कर पाए हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इन साइड लिविंग सेल तो ये जब तक इन्हें लिविंग सेल नहीं मिलता तब तक ये इनएक्टिव ही पड़े रहते हैं ऑल नॉन वायरसेज आर पैथोजेनिक तो जितने भी वायरसेस अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं वो सारे के सारे ही डिजीज कॉजिंग है दैट मीन्स दे ऑल आर पैथोजेनिक able to cause disease in plants, animals as well as humans. Tobacco mosaic virus is an example of plant virus. In animals and humans, they may cause disease such as avian flu, polio, swine flu. Some virus can even infect bacteria. तो ये आप देखो कि कितने खतरनाक हैं कि ये सिर्फ plants, animals और humans को ही नुकसान नहीं पहुंचाते. कुछ ऐसे viruses होते हैं जो even bacteria तक को खा जाते हैं. and that is why they are called as bacteriophages these viruses are called as bacteriophage children have a look on track your progress give one word for the following an instrument that enable us to see microorganisms you all know the answer very well what is the answer it is microscope कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं विब्रियो। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई दे आर कॉल्ड एज हाइफे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच प्रोसेस क्लोरोफिल तो ये है एलगी।

माइक्रो ऑर्गैनिजम्स एज फ्रेंड्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गैनिज्म हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स सो नाउ लेट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन द प्रिशन ऑफ फूड आइटम्स सच एस कर ब्रेड चीज इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल वाइन एंड वेनेगर इन द प्रिशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन

वो मिल्क के लैक्टोस को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर मिल्क के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं केसीन। यही वो केसीन प्रोटीन है जो कोऑगुलेट हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू कर्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, द प्रोटीन केसीन प्रेजेंट इन मिल्क कोऑगुलेट टू फॉर्म द बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है लैक्टोबेसिल क्यों? वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का बाई कन्वर्टिंग तो में हम क्या करते हैं हम मिल्क लेते हैं स्पून फुल ऑफ कर्ड लेते हैं तो इससे क्या होगा जो कर्ड है वो फॉर्म हो जाएगी बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजिडेंट करूज एज अट और अगर हमें मिल्क से चीज बनाना है तो भी हम क्या करते हैं हम मिल लेते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस को ऐड कर देते हैं अलोंग विद रेनेट रेनेट के साथ कर्ड की फॉर्मेशन होती है जिसके बाद में हमें क्या मिल जाता है चीज मिल जाता है और पनीर मिल जाता है मेकिंग ब्रेड सो यीस्ट यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस यूनिसेलुलर फंगस होती है यीस्ट विच हेल्प इन रेजिंग द डो जितने भी मम्मी घर में भटूरे बनाती हैं या ब्रेड बनाते हैं हम केक्स बनाते हैं उनकी फॉर्म कैसी होती है दे आर वेरी स्पॉन्जी तो स्पॉन्जी क्यों हो पाते हैं वो स्पॉन्जी हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर हम यीस्ट को ऐड करते हैं तो so, यीस्ट जब रिस्पायर करती है एनरोबिकली तो इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प इन रेजिंग द डो यीस्ट हैज़ बीन यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू मेक ब्रेड द डो ऑफ ब्रेड राइजेस बिकॉज यीस्ट ब्रेक्स डाउन शुगर एंड प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस

सो दैट फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो सके एंड दिस फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोल टू प्रिपेयर एल्कोहल्टुगर दैट इज मोलैस फ्रॉम शुगर कैन जूस दिस फर्मेंट्स द वेस्टर इन टू अल्कोहल और एल्कोहल कौन सी वाली बनती है ये बनती है इथाइल एल्कोहल

वो हम इजिली बना सकते हैं बाय मींस ऑफ एसिडोबैक्टर एसिटाइ शुगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों हमने कहा क्योंकि यीस्ट जो है वो रिस्पायर करती है एनरोबिकली रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सो इट देन ट्रांसफॉर्म्स द शुगर ऑफ द शुगर केन जूस इन टू एल्कोहल इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन तो कुछ बैक्टीरिया और फंगस जो हैं दे आर ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ मेडिसिन कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स दीज आर केमिकल सब्सटेंस दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेकिन बच्चों ये हमेशा याद रखना कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो वायरल डिजीज में काम नहीं आते दे डू नॉट एक्ट अपॉन वायरसेस वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं फंगस को ख़त्म कर सकते हैं लेकिन वायरसेस के लिए यूजफुल नहीं होते तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो थी पेनीसिलिन पेनिसिलिन बनाई थी एंड सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर स्टेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंड रेथ्रोमाइसिन तो इनसे हम कौन कौन से डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं कॉमन कोल्ड फ्लू कॉज बाय वायरस आर नॉट क्योर्ड बाय इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन चिल्ड्रन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है और फंगस है कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन जिनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स तो सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनाई गई थी वो थी पेनिसिलीन और ये किससे बनी थी ये बनी थी एक फंगस जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम सो दीज आर यूज फॉर क्योरिंग और स्टॉपिंग द डिजीज विच आर कॉज बाय बैक्टीरिया एंड फंगस लेकिन ये वायरल डिजीजेस पे काम नहीं करती जैसे कॉमन कोल्ड हो गया फ्लू हो गया इन पे एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं करते पेनिसलिन वाज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन रिथ्रोमाइसिन डिजीज लाइक कोल्ड एंड फ्लू कॉज्ड बाय वायरस आर नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स तो वायरस से हम क्या बनाते हैं वायरस से हम बनाते हैं वैक्सीन सो वैक्सी से हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करते हैं जैसे कि आपने अभी देखा था कोविड कोविड के अंदर भी जो हमने वैक्सीन बनाई थी कोवैक्सीन सो इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम द डेड स्ट्रेन ऑफ द कोविड वायरस तो इसमें हम क्या करते हैं कोविड नाइन्टीन वायरस वैक्सीन वॉज मेड बाई यूजिंग कोरोना वायरस दैट कॉज द कोविड नाइन्टीन डिजीज़ तो हमने क्या किया कि डिजीज़ को क्योर करने के लिए कौन सी डिजीज़ को कोविड को क्योर करने के लिए हमने उसी डिज़ीज़ के वायरस जो कि उसे स्प्रेड कर रहा था उसका डेड स्ट्रेन लिया या वीक स्ट्रेन लिया और उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे डब्ल्यू जो थे वो वर्क करने लगे और उसके खिलाफ उन्होंने बॉडी के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज बना ली ताकि उस तरीके का इंफेक्शन अगर बॉडी के अंदर दोबारा आता है तो वी हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल टू फाइट दैट इंफेक्शन एंड रिमूव इट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी सिमिलरली पोलियो एंड रैबीज वैक्सीन आर मेड यूजिंग द वायरस दैट कॉज पोलियो एंड रैबीज रिस्पेक्टिवली So, क्या होती है लिविंग बॉडी तो ये एक्चुअली में वैक्सीन क्या होती हैं ये या तो डेड स्ट्रेन ऑफ दैट वायरस होती हैं या फिर वीकेंड वायरस के सेल्स होते हैं जिसको हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इट इज सस्पेंशन ऑफ वीकेंड और डेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स वेन इट एंटर्स अ बॉडी आ बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज तो हमारे जो डब्ल्यू बी सी हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए तो वो क्या करते हैं इसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में ताकि अगर ये इन्फेक्शन इस तरीके का इन्फेक्शन दोबारा से बॉडी में एंटर करता है तो दे कैन फाइट विद इट एंड कैन रिमूव इट these antibodies remain in the body and protect it from further attack of the germs in other words vaccines provide immunity to immunity provide immunity. that is the ability of body to fight infection disease such as measles chickenpox smallpox cholera tuberculosis and hepatitis can be prevented by vaccines the methods of producing immunity by injecting a vaccine is called as vaccination इन एग्रीकल्चर चिल्ड्रन एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज देखने को मिलता है जैसे कि आप बैक्टीरिया राइजोबियम की हम अगर बात करें तो ये रहता है रूट नोड्यूल्स में ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स में गांठें होती हैं और उन गांठों में रहता है एक बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है राइजोबियम तो ये राइजोबियम क्या करता है कि प्लांट जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को एसच यूज नहीं कर सकता इट रिक्वायर्स नाइट्रोजन बट नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन फ्रॉम एटमोस्फेयर तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए प्लांट्स को सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए सॉल्यूबल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में चाहिए प्लांट्स को तो so, ये काम करता है राइजोबियम ये एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सोलबल फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड गिव इट टू द सॉइल सो दैट द प्लांट कैन अब्जॉर्व दैम एंड कैन मेक अप देयर न्यूट नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट

उसको कन्वर्ट करता है सोलबल नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन सर्टन फ्री लिविंग बैक्टीरिया लाइक एज एजोटोबैक्टर फिक्स एटमोस्फेयर नाइट्रोजन प्लांट यूज दिस नाइट्रेट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन इन क्लीनिंग द एनवाइ नाउ चिल्ड्रेन जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया फंगस हो गए तो इनका मेन फंक्शन क्या है दे एक्ट एज डिकम्पोजर्स जितने भी डेड लीव्स प्लांट्स एनिमल्स जो भी अर्थ पे गिरते हैं ये क्या करते हैं ये उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं तो ये उनके जो कॉम्प्लेक्स बॉडी मटेरियल है उसको ये सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करके या तो सॉइल में रिटर्न कर देते हैं या फिर एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस सो दे एक्ट एज क्लीनिंग एजेंट्स ये अर्थ को क्लीन करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई प्ले अ क्रूशल रोल इन रिसाइकलिंग मटीरियल विद इन द एनवाइ दे अचीव दिस बाय डिकम्पोजिंग और ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स इन टू सिंपल केमिकल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसिस सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज डी एंड इंक्लूड फंगाई एंड स्पेसिफिक बैक्टीरिया रिसाइडिंग इन द सॉइल they feed on the organic rich waste material such as dead plants and animals as well as animal dropping or usko ye change kar humus mein which makes the soil fertile gases such as carbon dioxide and water vapor along with minerals like nitrates sulfates phosphates and potassium ions are among the inorganic compounds released during decomposition these compounds serves as essential nutrients for green plants during the process of photosynthesis and other psychological activities decomposers play a crucial role in sustaining life on earth by preventing the accumulation of remain and waste of living organisms ये क्या कर रहे हैं ये अर्थ की सफाई कर देते हैं अर्थ में जितना भी डेड मैटर प्रेजेंट होता है उन सबको ये डिकम्पोज करके इधर वो सॉइल में रिटर्न कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ह्यूमस और गैश वेस्ट में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर की फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर देते हैं इसीलिए ये अर्थ को साफ करने का काम करते हैं हाउ एवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ब्रेक डाउन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो चिल्ड्रन इस सब चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल वेस्ट को ही रिसाइकल कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ही रिसाइकल कर सकते हैं बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि पॉलिथीन है प्लास्टिक है उसको ये रिसाइकल नहीं कर सकते इसीलिए जितना भी पोल्यूशन आजकल हमारे अर्थ में फैल रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ दी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हाउ एवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट माइक्रोब्स के नॉट ब्रेक डाउन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सचैस ग्लास बॉटल्स पॉलिथीन बैग्स कोको कोला कैम्स therefore these materials should be disposed of separately cycling of material children kya hai yahan par hum dekh sakte hain dead plants and animals hain animal droppings hai so decomposers kya karte hain inko minerals mein change karke soil mein de dete hain soil se inko green plants le lete hain green plants ko consume kar jate hain animals उसके बाद क्या है Animals और plants दोनों ही dead हो गए वापस से इनको कौन act करेगा Microorganisms और ये रीसाइक्लिंग ऑफ मिनरल्स जो है ये हमारे अर्थ पे चलता ही रहता है डीकम्पोजर्स इन सीवेज ट्रीटमेंट तो सीवेज ट्रीटमेंट चिल्ड्रन आपको पता है कि गंदे पानी में ऑलरेडी बैक्टीरियाज हैं प्रोटोज हैं दे आर ऑल प्रेजेंट इन डर्टी वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली बैक्टीरिया प्ले एन इसेंशियल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू मेक इट हार्मलेस तो बैक्टीरिया जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं सीवेज कंटेन्स पीकल मैटर सब्सटेंसेज फ्राम हाउस होल्ड वेस्ट सचैस सोप्स डिटर्जेंट्स एंड केमिकल्स फ्राम फैक्ट्रीज इन सिटीज एंड टाउन सीवेज इज मेड हार्मलेस बाई ट्रीटिंग इटवीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर इट इज डिस्चार्ज इन टू रिवर्स तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो वॉटर को डर्टी वाटर को वापस से साफ करने में भी हेल्प करते हैं उसके बाद माइक्रो ऑर्गैनिज्म आर ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोगैस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज मीथेन गैस इज प्रोड्यूस बाई एनोरॉबिक बैक्टीरिया तो जब आप ये देखो कि सीवेज के अंदर क्या प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होगा बाय द प्रोसेस बाय द यूज ऑफ बैक्टीरियाज तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और उस केस में एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है मीथेन दिस दिस इज कॉल्ड बायोगैस और इसे ही हम बायोगैस कहते हैं इट इज़ प्रोड्यूस बाय द डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मटीरियल इन इंडिया एंड चाइना रोटिंग वेजिटेबल्स एंड एनिमल डंग आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप गाँव में जाके देखो विलेज में देखो तो वहाँ पर बायोगैस के बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि एनिमल वेस्ट को और प्लांट वेस्ट को इकट्ठा करके हम उसके ऊपर बैक्टीरियाज़ को ग्रो करके जो कि रिस्पायर करेंगे एनरोबिकली मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सके विच इज यूज एज कैन बी यूज एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ बायोगैस हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन इज फिक्सिंग बैक्टीरिया स्टेट ट्रू और यू ऑल नो द आंसर टेलमी इज इट अक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नो सो यू विल राइट फॉल्स यूर पेनीलियम वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एनवाइ yes, बिल्कुल सही बात है तो इसमें भी हम ट्रू लिखेंगे एल्कोहल इज प्रिपेड बाय प्रोटोज नो इट इज नॉट प्रिपेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी तक हमने जो पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमारे फ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं लेकिन कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मनों की तरह भी एक्ट करते हैं दे एक्ट एज एनिमीज टू आस सो लेट सी इन डिटेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मुल इन टू वेज कॉजिंग डिजीज तो ये डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में प्लांट्स में और इवन एनिमल्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं पैथोजेंस तो पैथोजेंस के अंदर क्या क्या आ सकते हैं इसमें वायरसेस आ सकते हैं बैक्टीरिया आ सकता है प्रोटोजन्स uh, आ सकते हैं फंजय भी इसके ही पार्ट है जो कि डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं ज एंड हाउस होल्ड आइटम्स तो ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं फूड को भी जो आपका फूड होता है उसको भी स्पॉयल करते हैं इसीलिए जब हम डर्टी फूड या डर्टी वाटर कंज्यूम करते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग डिजीजेस तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस और जर्म्स जर्म्स जनरली एंटर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द एयर वी ब्रीथ अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कंटैक्ट में आते हैं और वो हमारे सामने स्नीज करता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं उसके जो डिजीज के जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाते हैं जर्म्स जनरली एंटर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू एयर वी ब्रीथ द वॉटर वी ड्रिंक द फूड वी ईट थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट और बाय अ कैरियर डिजीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर और डायरेक्ट कंटैक्ट आर कॉल्ड एज कॉम्युनिकेबल डिजीजेस आपने देखा कि एक को कोल्ड हो रहा है आप उसके पास बैठे हुए हैं थोड़े टाइम में आप क्या देखते हो कि घर आए और हमें भी कोल्ड हो गया सो so, ऐसी चीज़ें जो एक पर्सन से हेल्दी पर्सन से सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीजेस सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीजेस आर कॉलरा टाइफाइड, हेपेटाइटिस कॉमन कोल्ड चिकन पॉक्स ट्यूबरकुलोसिस एंड इवन एड्स डिजीज स्प्रेडिंग थ्रू एयर तो जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कंटैक्ट में आते हैं अगर वो हमारे सामने कफ करता है या स्नीज करता है तो क्या हुआ कि जर्म्स के जो पार्टिकल्स हैं दे कम इन कंटेक्ट विद एयर और इसी एयर में हम भी ब्रीथ कर रहे हैं तो ये इंफेक्शन हम भी कैच कर लेंगे वेन द इनफेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन ड्रॉपलेट्स आर रिलीज इन टू एयर कॉम्युनिकेबल डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबर कलॉसेज कैन स्प्रेड एंड कॉज इंफेक्शन थ्रू दीज ड्रॉपलेट्स

तो वो क्या करेगी वो जर्म्स आपके फूड में ट्रांसफर कर देगी और अगर आप वो फूड कंज्यूम करते हो तो आपको डिजीज होना लाजमी है आपको भी फूड पॉइजनिंग हो जाएगी सो हाउस फ्लाई इज एक्टिंग एज अ वेक्टर। वेक्टर मतलब जो कैरी कर रही है डिजीज कॉजिंग जर्म्स को हाउस फ्लाइज आर द कॉमन इंस्पेक्ट दैट स्प्रेड डिजीज दे मे सिट ऑन डर्टी प्लेसेस लाइक गार्बेज एनिमल वेस्ट वेयर पैथोजिन स्टिक टू देयर बॉडी If food is uncovered, the flies carrying these pathogens can contaminate it. A healthy person may fall sick if they eat this contaminated food. Insects such as houseflies, mosquitoes and cockroaches are the vectors of carriers of various diseases such as typhoid, malaria, dengue and cholera. Jo malaria bacho malaria jo hai, इसका जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो जर्म है या जिसकी वजह से ये होता है ये होता है बिकॉज ऑफ अ प्रोटोजुवन विच इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये रिसाइड करता है मॉस्टो की बॉडी में और अगर ऐसा मॉस्टो जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है अगर आपको आके बाइट करता है तो यू आर लाइकली टू गेट अ डिजीज विच इज़ कॉल्ड एज मलेरिया मलेरिया इज एक्चुअली कॉज बाई अ प्रोटोजुअन नेम्ड प्लाज्मोडियम विच इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो तो एनोफिलीज मस्कीटो जो होता है उसकी भी फीमेल वही इसकी वैक्टर होती है या कैरियर होती है ऑफ द प्रोटोजुअन प्लाज्मोडियम डेंगू फीवर डेंगू फीवर जो होता है इट इज़ कॉज बाय द डेंगू वायरस और ये डेंगू वायरस कौन स्प्रेड करता है फीमेल एडीज मॉस्किटो तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि दो टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से प्लाज्मोडियम ये आपकी बॉडी में मलेरिया कर सकता है थ्रू किसके थ्रू थ्रू फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो और वहीं डेंगू का वायरस जो होता है वो आपकी बॉडी में डेंगू फीवर ला सकता है ड्यू टू द कैरियर कौन सा कैरियर है इसमें फीमेल एडीज मस्कीटो सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गैनिजम्स तो चिल्ड्रन बैक्टीरिया के थ्रू जो बीमारियाँ हमारे बॉडी के अंदर हो सकती हैं वो है कॉलेरा। कॉलेरा होती है जब हम कंटेमिनेटेड uh, वाटर या कंटेमिनेटेड फूड को यूज़ करते हैं तो इसका बेसिक प्रिवेंशन क्या है इसका है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ईट प्रॉपरली कु फूड मेनटेन गुड सैनिटेशन गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज सेकेंड इज टाइफ अगेन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू डर्टी वाटर और इसके लिए भी हमें क्या करना है हमें बॉइल्ड वाटर पीना है अच्छे से पका हुआ खाना खाना है अपने आसपास का एन्वामेंट अपनी बॉडी को क्लीन रखना है और वैक्सीनेशन प्रॉपर एज में हमें लगवानी है देन ट्यूबो क्लॉसेज ट्यूबो क्लॉसेस स्प्रेड्स थ्रू एयर जिसको हम टीबी भी बोलते हैं कीप द पेशेंट एंड देयर पर्सनल आर्टिकल्स इन कम्प्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर तो इस केस में पेशेंट के जितने भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उसमें से कुछ भी हमें यूज नहीं करना चाहिए और दूसरा हमें बी की वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी चाहिए वायरस वायरस से जो डिजीजेस होती हैं वो है मीजल्स मीजल्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर चिकन पॉक्स इट इज ट्रांसमिटेड अगेन थ्रू एयर और कंटेक्ट पोलियो अगेन फ्रॉम एयर एंड वाटर हेपेटाइटिस इज कॉज टू डी वॉटर तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कीप द पेशेंट एंड दे पर्सनल आर्टिकल्स इन कंप्लीट आइसोलेशन वैक्सीनेशन टाइम से लेना चाहिए बॉइल्ड वॉटर पीना चाहिए और कुक्ड फूड खाना चाहिए देन डेंगू डेंगू इज कॉज बाय मस्कीटो ये एक वैक्टर है जो इसको कैरी करता है और ऐसे टाइम में डू नॉट अलाउ वॉटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज तो चिल्ड्रेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब डेंगू का वायरस स्प्रेड हो रहा है उस टाइम पे हमें अपने घर के आसपास स्टैगनेंट वाटर को नहीं जमा होने देना क्योंकि मस्कीटो ब्रीड करता है पानी पे स्टैगनेंट वाटर पे तो जब स्टैगनेंट वाटर ही नहीं होगा तो मस्कीटोज विल नॉट बी एबल टू ब्रीड स्प्रे केरोसिन ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर तो अगर कहीं पे भी पानी जमा आपको दिख रहा है तो उसके सर्फेस पे आप केरोसिन ऑयल डाल दो ताकि मस्कीटोज के लार्वा जो है वो उसमें डेवलप ना हो पाए

डू नॉट अलाउ वॉटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज स्प्रे कैरोसिन ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर टू किल द लारवे सो दैट बाई ब्लॉकिंग द ऑक्सीजन यूज मस्कीटो नेट्स एंड रिपेलेंस सम कॉमन एनिमल डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गैनिज्म दीज आर फुट एंड माउथ डिजीज ये कैटल्स में देखने को मिलती है एंड ये कॉज होती है बाय मीन्स ऑफ वायरस एंथरेक्स डिजीज भी कैटल्स में ही देखने को मिलती है विच इज कॉज बाय अ बैक्टीरिया स्लीपिंग सिकनेस ये हम कैटल्स में देखते हैं पिग्स में देखते हैं एंड इट इज कॉज बायोटोन सो चिल्ड्रेन अ करेक्शन सम कॉमन एनिमल नहीं यहाँ आप लिखेंगे प्लांट डिजीज सो प्लांट डिजीज इज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रास्ट ऑफ वीट ये फंगस की वजह से होती है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर और थ्रू सीड्स सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर होती है ड्यू टू बैक्टीरिया एंड इट इज अगेन स्प्रेडिंग थ्रू एयर येलो मोजैक डिजीज ऑफ लेडी फिंगर दैट इज ओखरा इज कॉज बाय वायरस एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम इंसेक्ट्स टोबैको मोजैक अगेन इट इज अ वायरल डिजीज ऑफ प्लांट्स एंड इट्स कॉज ड्यू टू हैंड्स एंड क्लोदिंग ऑफ फील्ड वर्कर्स फूड पॉइजनिंग चिल्ड्रन वॉट इज फूड पॉइजनिंग अगर हम अपने फूड को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे या हमने अपने फूड को कवर करके नहीं रखा तो क्या होगा ये जितने भी वेक्टर्स हैं लाइक हाउस फ्लाइज हैं जो कि डर्टी एरिया में जाते हैं जो गार्बेज पे बैठते हैं फीकल मैटर पे विजिट कर कर आते हैं ये हमारे फूड के ऊपर आके विजिट करेंगे एंड दे रिलीज द पैथोजेंस इन टू आवर फूड तो यही फूड अगर आपने कंज्यूम करा तो आपको एक डिजीज हो जाती है विच इज़ कॉल्ड एज बॉट्योल और फूड पॉइजनिंग Food that is not properly covered or preserved is exposed to microbes. These microbes may leave certain toxins on food. When we unknowingly consume such contaminated food, it causes food poisoning. The symptoms of food poisoning include vomiting, up vomiting hogi, diarrhea, ho sakta hai, dysentery, dehydration, ho sakta hai, and in extreme cases, it can lead to your death also. Have a look on track your progress, children. Fill in the blanks. सो so, यहां पर आपको करेक्ट वर्ड्स में इनमें से चूज करके अपना ब्लैंक को फिल करना है कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय वायरस आप यहां पे वायरस लिखेंगे डैश कॉज एंथ्रैक्स डिजीज इन कैटल्स इट इज अ बैक्टीरिया सो यू विल राइट बैक्टीरिया हियर ट्यूबोकलॉसिस ट्यूबोकलॉसिस कैसी है ये एक एयरबोन डिजीज है दे आर द वेक्टर्स डैश मस्कीटो इज द कैरियर ऑफ डेंगी वायरस तो ये है एडीज आप यहां पर एडीज लिखेंगे ट रस्ट ऑफ वीट किसकी वजह से होती है ये होती है फंगस की वजह से ना चिल्ड्रन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथर्ड विच इज कॉल्ड एज फूड प्रिजर्वेशन जो हमारे खाने की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है ताकि हम उसे बाद में भी कंज्यूम कर सके खाना जो है हमारा जल्दी खराब ना हो जाए इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड प्रजर्वेशन द प्रोसेस बाई विच is ऑफ फूड called माइक्रो preservation. तो इसके methods क्या क्या हैं सबसे पहला मेथड है ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए आइडियल कंडीशन होती है वेटनेस यानी कि उनको मॉइस्चर चाहिए होता है अगर हम अपने फूड आइटम में से मॉइस्चर को ही निकाल दें तो दे विल नॉट बी एबल टू डेवलप ऑन दैट फूड आइटम और हमारे फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्राइंग रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड मटीरियल रिमूवल ऑफ फूड फ्रॉम द मटीरियल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इसमें हम कौन कौन से फूड आइटम्स को डिहाइड्रेट कर सकते हैं सीरियल्स हैं पल्सेज हैं Vegetables like spinach, cauliflower and methi leaves and spices are dried in the sun. The dehydrated food is sealed in packages and kept at room temperature. Then refrigeration and freezing. आपने देखा होगा कि मम्मी खाना बच गया रात का खाना बच जाता है तो मम्मी क्या करती हैं? उसको फ्रिज में रख देती हैं. Refrigerate कर देती हैं. That means मम्मी is decreasing the temperature. टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा कि दो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी इट विल नॉट बी एबल टू स्पॉयल योर फूड या फिर हम किसी चीज को बॉयल कर देते हैं जैसे मिल्क को बॉयल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल एक्टिविटीज लाइक बॉयलिंग कूलिंग बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग हेल्थ टू प्रिजर्व फूड आइटम्स नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करते सिर्फ उनकी एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देते हैं बट स्टॉप देन फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग प्रिजर्वेशन बाय फ्रीजिंग इज इफेक्टेड फॉर मेनी मंथ एंड इज यूज फॉर मिल्क मीट एंड वेजिटेबल्स बॉयलिंग फूड आइटम्स लाइक मिल्क एंड वॉटर आर प्रिजर्व बायलिंग बॉयलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू मस्ट है योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर स्टोरिंग इट सॉल्टिंग एंड एडिंग शुगर तो चिल्ड्रन हम शुगर और सॉल्ट को भी एड करके माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोक सकते हैं आपने देखा होगा हमारी दादी है नानी है जब पिकल्स बनाती है तो उसमें बहुत सारा नमक डालती है सो so, नमक क्या करता है नमक कट डाउन द ऑक्सीजन सप्लाई वो ऑक्सीजन के कंटैक्ट में नहीं आने देता तो so, हमारा फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म Same is with sugar. Preserving food through salting or adding sugar involves the addition of salt or sugar to various food items. This process causes microbial cells to lose water, preventing the microbes from growing in the preserved food item. In addition to salt and sugar, other substances like spices, oil, vinegar and nitrogen are also used for food preservations. Pasteurization. Children, what is pasteurization? पेशचराइजेशन वॉज़ फर्स्ट डेवलप्ड बाई लुइस पैस्चर और उन्हीं के नाम पर हमने इस प्रोसेस का नाम दिया पेस्चराइजेशन तो इस केस के अंदर क्या किया जाता है इस केस में मिल्क को बॉयल किया जाता है एट अराउंड सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड्स फॉर फिफ्टीन टू थर्टी सेकेंड्स और उसके बाद उसे रेफ्रीजरेट कर दिया जाता है मतलब ठंडा कर दिया जाता है This method is employed to preserve milk. It involves heating milk to around 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then rapidly cooling it before storing it in sterilized bottles or pouches. The heating process eliminates bacteria in the milk, while rapid cooling inhibits the growth of any remaining bacteria. This method is applied to preserve milk products such as cheese as well as other substances like honey. ज्यूस एक्सेट्रा एडिंग प्रिजर्वेटिव तो चिल्ड्रन हमने देखा है अगर आपके घर में पिकल्स बाजार से लाते हो आप तो आप अगर उसके कंटेंट्स देखो तो उसमें लिखा होता है सोडियम बेंजोएट so भी यही काम करता है दैट इट स्टॉप्स द माइक्रोबियल एक्टिविटी और हमारे फूड की जो शेल्फ लाइफ है उसको वो बढ़ा देता है केमिकल्स अच्छे सोडियम बेन्जोएट एंड सोडियम मेटाबाई

सो चिल्ड्रन नाइट्रोजन तो सेवेंटी एट परसेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में फिर प्लांट्स डायरेक्टली क्यों नहीं नाइट्रोजन ले लेते नहीं प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन अब्सॉर्व नहीं कर सकते प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए लेकिन वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रोटीन नहीं बना पाते तो वो क्या करते हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए इन सॉल्युबल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स और ये नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बनते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फ्री एटमोस्फेयर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन नाइट्रोजन कंपाउंड इन नेचर नाइट्रोजन इज फिक्स ड्यूरिंग लाइटनिंग तो ये काम कब किया जाता है नेचर में ड्यूरिंग लाइटनिंग जब ठंडो होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें तो चिल्ड्रन हमने अभी बात करी थी प्लांट्स legum की जो रूट नड्यूल्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सोलबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट में रिटर्न इट टू दॉइल सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट अब्सॉर्बेड टू मैनुफैक्चर प्रोटीन्स द नाइट्रोजन फिक्स बाय दीज बैक्टीरिया इज अब्जॉर्ब बाई प्लांट्स स्टोर्ड इन दैर टिश्यूज एट प्लान प्रोटीन द स्टोर्ड नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स अब ये जो नाइट्रोजन प्लांट्स में स्टोर हो गई है फॉर्म ऑफ प्रोटीन इसको खाएंगे एनिमल्स एनिमल्स खाएंगे और उसके बाद कार्निवोर्स इनको खाएंगे और जब इन एनिमल्स की डेथ हो जाएगी तो वापस से ये कंपाउंड जो है डीकम्पोज होके एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर दिए जाएंगे Some of these compounds are absorbed by plants, while others are converted back to nitrogen and released into atmosphere by specific bacteria in the soil. This continual process of nitrogen cycling between atmosphere, soil, and organisms is called as nitrogen cycle. Nitrogen cycle is a natural cyclic process in which atmospheric nitrogen enters the soil. Soil se gay plants ne, plants se herbivores, herbivores se carnivores. और कार्निवोर्स के डीकंपोजिशन हुआ बाय द बैक्टीरियास और उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में वापस से रिटर्न हो जाती है सो यू कैन सी द नाइट्रोजन साइकिल इन दिस डायग्राम आल्सो कि कैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स तक पहुंचती है प्लांट से एनिमल्स तक पहुंचती है और वापस से एटमॉस्फेयर में रिटर्न की जाती है चिल्ड्रन हैव अ लुक ऑन वंडर बॉक्स जोनास एडवर्सारक वाज एन अमेरिकन physician and researcher he developed the first successful polio vaccine keywords have a look on keywords and explanation communicable disease diseases that can spread from an infected person to a healthy individual through air water or direct contact fermentation the process of converting of sugar into acid or alcohol food preservation Technique used to preserve food materials to prevent its spoilage due to microbial attack. Pasteurization a technique of sudden heating and cooling of milk to kill the microbes. Pathogens microorganisms that cause diseases. Have a look on the question answers, children. See the first one, tick the correct option. ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्सिंग एंड नॉन लिविंग मैटर आर कॉल वायरस में टिक करेंगे द कोज ऑफ पोलियो इज वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी तो इसमें हम यूज करते हैं ईस्ट को सी द फोर्थ वन चिल्ड्रेन

डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस पैथोजेंस डैश एंड डैश आर केमिकल प्रेजर्वेटिव तो इसमें हम लिखेंगे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाय सल्फाइड सोडियम मेटा बाय सल्फाइड लिखेंगे मलेरिया इज स्प्रेड बाय एनोफिलीज मस्कीटो a virus can only be seen through microscope state whether the following statements are true or false a bacteria that can infect a virus is called bacteriophage no this is false the most common carrier of communicable disease is spider no again this is false microorganisms cannot survive in extreme temperature false there are five major type of microorganisms true lactobacillus is used to convert milk to curd yes this is again true with this we have come to the end of this chapter hope you have understood this chapter nicely Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.